हेलो वुड बी मॉमीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी स्किन में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे। हो सकता है कि किसी की स्किन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लोइंग हो, किसी की स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल आ गए हो, या फिर किसी की स्किन में मेलाज्मा या फिर झाई जिसको कहते हैं वो हो गया हो। तो इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे लोग बोलने लगेंगे कि आप अपने होने वाले बेबी के जेंडर को जान सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान स्किन में चेंजेस क्यों होते हैं और क्या सच में इसके बेसिस पे आप अपने होने वाले बेबी के जेंडर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल चीकूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है, जबकि नॉर्मल डेज में आपकी स्किन उतनी अच्छी नहीं थी, तो लोगों का मानना है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो पहला चीज़ तो हो गया कि स्किन अच्छी होगी। अब दूसरा, जो लोग कहते हैं कि आपके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा मुहासे, पिंपल्स, झाई जिसको मेलाज्मा भी कहते हैं, और आपकी स्किन का कलर डार्क हो जाएगा और पैचेस आ जाएंगे आँखों के नीचे, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे स्किन पे, डार्क स्पॉट्स दिखने लगेंगे, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर बेबी गर्ल कंसीव की है तो वो होने वाली माँ की ब्यूटी को छीन लेते हैं और बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं। तो क्या ऐसा सच में होता है? तो इस पूरे वीडियो में यही जानेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है, इसके बेसिस पे जेंडर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान स्किन में चेंजेस क्यों होते हैं। तो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं को स्किन में चेंजेस होते हैं और ये बहुत आम बात है, क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, आपकी बॉडी में ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण आपकी स्किन में अलग अलग तरीके के चेंजेस आते हैं। किसी की स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है तो किसी की पिंपल से भरी और किसी के डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, या फिर किसी को प्रेगनेंसी मास्क भी हो जाता है जिसको कि झाई बोलते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं के गर्दन के पास वाला एरिया भी काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में आपका स्किन कलर डल भी हो सकता है और ग्लोइंग भी हो सकता है, फेयर भी हो सकता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसके बेसिस पे अपने होने वाले बेबी के जेंडर को जान सकते हैं या नहीं। तो इसके बेसिस पे आप अपने होने वाले बेबी के जेंडर को नहीं जान सकते हैं, इसके बेसिस पे आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो आपके स्किन में चेंजेस आते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके हार्मोन्स के लेवल कैसे चेंज हो रहे हैं। और हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है, तो जो स्किन के चेंजेस होते हैं वो अलग होते हैं। हो सकता है किसी को बेबी बॉय के टाइम काफ़ी अच्छी स्किन हो और किसी को बेबी गर्ल के टाइम पे अच्छी स्किन हो, तो इसके बेसिस पे आप नहीं देख सकते। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि जो प्रेगनेंट महिलाएँ इस पर विश्वास करती हैं वो जान सकें और मेरे चैनल चीकूज वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।